तो हेलो फ्रेंड्स, मैंने इसमें ब्लीच थोड़ा सा ब्लीच डाला है और सोडा एश डाला है। अब इन ब्लैंकेट्स को मैं तो आपको अगर इस तरह से करना होगा तो आप उसको टेस्ट कैसे करेंगे? तो सिंपल है, आप इसमें ऐसा सोक कर लीजिए थोड़ा सा और फिर देखिए इसमें अगर कलर का कुछ इश्यू होता है, कुछ कलर लाइट होता है तो आप इसको ब्लीच नहीं कर सकते। लेकिन अभी ये मैंने टेस्टिंग किया है या मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इसे मैं ब्लीच यूज कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको मैं यहाँ पे अभी डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये ब्लैंकेट मैं अभी सिर्फ 10 मिनट तक इसमें सोक करूंगा और उसके बाद में इसको मशीन में वॉश में करने वाला हूं। तो पूरी वीडियो देखिए किस तरह से इसको हम मशीन में वॉश करते हैं और 100% बैक्टीरिया फ्री, डैमेज फ्री और उसके बाद में स्टेन फ्री ये ब्लैंकेट किस तरह से होता है। बहुत सारे ब्लैंकेट्स हम एक साल में एक बार वॉश करते हैं या वॉश करने में थोड़ा सा देरी हो जाती है तो बहुत डर्टी सा स्मेल आता है। अगर ब्लीच और सोडा एश का ट्रीटमेंट अगर करेंगे तो स्मेल भी जाता है और 100% ब्लैंकेट बैक्टीरिया फ्री भी होता है। तो अब हम इसको 10 मिनट तक इसको सोक करेंगे और फिर इसके बाद में उसको मशीन में वॉश करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। थैंक यू। अब हम सिर्फ शैम्पू सैचेट डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लैंकेट हमारा ड्राई क्लीनिंग हो गया है। अब मैं ब्लैंकेट से रिलेटेड आपको कुछ टिप्स देता हूँ जो आपने फॉलो करने हैं। ब्लैंकेट जब भी मशीन में वॉश करने के लिए आप डालें तो मशीन में बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट नहीं डालना है, जिससे भी ज़्यादा झाग हो, लिक्विड डिटर्जेंट हो, वो ज़्यादा मशीन में नहीं डालना है क्योंकि जितना ज़्यादा झाग होगा उतना ये ब्लैंकेट आपका डर्टी और इसमें से डर्ट डस्ट निकलेगा। ऐसा करते ही डस्ट निकलता है। तो वो क्यों निकलता है कि डिटर्जेंट पाउडर बहुत ज्यादा यूज करने से झाग जो होता है प्रॉपरली ड्रेन नहीं होता है तो ऐसी दिक्कत आती है। तो हमने इसको ब्लीच सोडा एश यूज किया है और उसमें सिर्फ 10 मिनट सोक किया और उसके बाद में वॉशिंग के टाइम सिर्फ एक शैम्पू सैचेट लिया है मैंने। तो ये अभी ब्लैंकेट हमारा बहुत ही फ्रेश, क्लीन और स्मेल भी अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोस में हमेशा लाते रहता हूँ रेगुलरली, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो लाल बटन होता है सब्सक्रिप्शन का, तो बिल्कुल भी फ्री है तो उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए और ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।